हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। तो जो ये वीडियो है, इसके अलावा करीब 3 या 4 वीडियो शायद और आएंगी, और उन सब में हम कवर करेंगे मिलिट्री हिस्ट्री को। जो वो वीडियोस होंगी उनकी जो लेंथ होगी करीब 10 से 15 मिनट के बीच में होगी, और उनको हम कवर करेंगे फ्रॉम एनसीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री इन इंडिया, यानी कि भारत में जो मिलिट्रीज रही हैं। ठीक है, हम अभी जो करंट फॉर्म है इंडियन आर्मी की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो एंशियंट काल में जो मिलिट्रीज रही हैं, जो मेडाइवल में रही हैं और जो अभी मॉडर्न काल में रही हैं, इनको हम एक सिरे से लेके चलेंगे आगे की ओर। तो हम देखेंगे पहले कि एंशियंट जो पीरियड था उसमें जो मिलिट्रीज थी वो किस तरीके से थी, उनके लड़ने के तरीके कैसे कैसे थे। इसके बाद हम मेडाइवल में आएंगे और फिर आएंगे हम मॉडर्न में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मिलिट्री हिस्ट्री क्या होता है। तो किसी भी सेना का एक इतिहास होता है, उसी को हम कहते हैं मिलिट्री हिस्ट्री। लेकिन इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, कोई भी एक मिलिट्री होगी, उसने पास्ट में क्या क्या होगा, वॉर लड़े होंगे, लड़ाइयाँ लड़ी होंगी उन्होंने, उनकी एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन होगा कि किस तरीके से वो उस मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से उसको वो चलाएंगे। तो इन सब के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो वो जब भी वॉर होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम कुछ सीखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो वही सुधारने की क्रिया को हम कहते हैं मिलिट्री हिस्ट्री। तो जो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मिलिट्री हिस्ट्री क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो उस समय जो डेफिनेशन आपको लिखनी है वो ये है कि सैनिक इतिहास के द्वारा हम अतीत की सैनिक क्रियाएं, संगठनों, शैलियों तथा विभिन्न कालों में हुए युद्धों का अध्ययन करके ही भावी युद्धों के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। अब बात करते हैं कि जो हिस्ट्री है इसका डिवीज़न इंडिया में कितने प्रकार से हुआ है। तो देखिए, हिस्ट्री जो है ये अगर हम पूरे वर्ल्ड भर में लगा लें, पूरी दुनिया भर में, तो मेनली 3 तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है। एक है एंशियंट, दूसरा है मेडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। तो पहले हम बात करेंगे एंशियंट के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो जो हिस्टोरियंस हैं इनके बीच में पहले से ही खुद कन्फ्लिक्ट है अबाउट द टाइमलाइन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि 20 लाख साल पहले इसकी शुरुआत हुई, कुछ कहते हैं 15, तो कुछ कहते हैं 5 लाख। बट अब ब्रीफ में मान सकते हैं कि 5 लाख साल पहले जो एंशियंट हिस्ट्री है इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर के रूप में थे और धीरे धीरे वो इंसानी रूप में बदलते गए। तो इस दौरान जब वो बंदर से इंसान के रूप में बदल रहे थे, तो उन्होंने अपने आप में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि पहले वो क्या किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे और कच्चा मीट खाया करते थे। फिर उन्होंने आग की खोज की, आग की खोज के साथ वो पका हुआ मीट खाने लगे। फिर उन्होंने पहिए की खोज की और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ बीज जो ज़मीन पर गिर जा रहे थे वो फसलें दे रही थी। तब उन्हें ज़मीन की इम्पोर्टेंस पता चली और ज़मीन की इम्पोर्टेंस पता चलने के साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सेटल होना शुरू कर दिया। वो वहाँ पे रुकने लगे, रुकने के साथ साथ उन्होंने अब अपनी बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी और बस्तियों से उनका राज्य बनना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जब टाइमलाइन आगे बढ़ता गया, तो हमने देखा कि कुछ राज्य दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर दिया करते थे जमीन के लिए। तो अब जो ये अटैक्स थे इनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, राज्यों ने अपनी खुद की एक सेना बनाई जिनका कार्य था अपनी खुद के राज्य को बचाना दूसरों के आक्रमण से, या दूसरों पर आक्रमण करने के लिए उस सैनिक का गठन किया गया, जो कि आज की जो ये मॉडर्न मिलिट्री है उसका भी सेम रोल है। तो अगर हम एंशियंट मिलिट्री को हम देखें, जहाँ पे हमें कुछ चिन्ह मिलते हैं रिलेटेड टू मिलिट्री, तो जो ऋग्वेद है ये कहता है कि जो आर्यंस थे, आर्यंस आपको पता होगा ये आए थे कहाँ से, मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट यानी कि जो ईरान इराक ये वाला पार्ट है, यहाँ से आए थे और इनके पास थी चतुरंगनी सेना। चतुरंगनी सेना यानी कि 4 अलग अलग तरह की सेना। ये थी चैरियट यानी कि रथ सेना थी, एलिफेंट्स, हॉर्स एंड इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना। नाउ जो ये सेनाएं थी, इनके पास जो हथियार हुआ करते थे वो हथियार बो एंड एरो यानी कि धनुष बाण के रूप में हुआ करते थे, तलवारों के रूप में हुआ करते थे, या एक्स यानी कि क्या कह सकते हैं, कुल्हाड़ी के रूप में हुआ करते थे। और जो ये लड़ाइयाँ हुआ करती थी उस ज़माने में, वो हुआ करती थी खुले मैदान में, वो भी दिन के समय। नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस समय जो आर्मी थी वो हुआ करती थी चैरियट की यानी कि रथ सेना। देखिए, रथ सेना और घुड़ सेना इन दोनों में फ़र्क है। कैसे, जो रथ सेना है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा घोड़े यूज़ होते हैं और ये एक पीछे से एक रथ को खींचते हैं अपने साथ, ये हुई रथ सेना। जबकि जो घुड़ सेना है इसमें खाली एक घोड़ा होता है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है तो वो फाइट करता है।
तो उस समय जो चैरियट आर्मी हुआ करती थी ये ज़्यादा यूज़ में हुआ करती थी। इसके अलावा जो एलिफेंट्स यानी कि हाथी और जो घोड़े हुआ करते थे उनका जो मेन यूज़ होता था वो होता था कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और उनको और गुड्स को कैरी करने में। ठीक है, एलिफेंट्स गुड्स को कैरी करते थे मेनली, और जो इंफॉर्मेशन थी यानी कि संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना वो घोड़ों के द्वारा किया जाता था। अब बात करें मिडेवल पीरियड की, तो हम देखते हैं कि मिडेवल पीरियड के आने आने तक जो बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स हैं वो इंडिया में आना शुरू हो चुके होते हैं। बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ही आते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो बहुत सारे आते हैं मिडिल ईस्ट से। नाउ जो ये रूलर्स होते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा महमूद गजनवी आता है, फिर मोहम्मद गौरी आता है, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है जिसमें पांच डायनेस्टीज जो कि होती हैं, इलबरी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज आती हैं, उसके बाद आते हैं मुगल्स। जब ये मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आते हैं तो उस समय जो रकाब है इसका यूज़ होना स्टार्ट हो चुका होता है। रकाब अगर आपने देखा होगा तो घोड़े में जब भी हम बैठते हैं तो हमारे घोड़े के दोनों साइड दो हैंडल्स होते हैं जो हमारे पाँव को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उन दोनों हैंडल्स की वजह से घोड़े के ऊपर बैठना आसान हो जाता है, तो उनको कहा जाता है रकाब। तो रकाब का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो अब क्योंकि जो घोड़ों की रफ़्तार है ये कंपेयर टू रथ सेना या हाथियों के मुकाबले बहुत तेज़ होती है घोड़ों की रफ़्तार, तो इसीलिए अब युद्ध में घोड़ों का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ इसके बाद जो मुगल्स हैं इनका अराइवल होता है इंडिया में 1526 में। तो हम देखते हैं कि जो मुगल्स होते हैं ये अपने साथ लाते हैं क्या, तोप। तो तोपों के वजूद से ये जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर होता है इब्राहिम लोदी, इसको ये हरा देता है। कौन? बाबर हरा देता है 1526 में, जिस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, 1526 में होता है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, और इसको जीत जाता है बाबर। किसके बदौलत? कैनन्स यानी कि तोपों की बदौलत बाबर जीत जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि मुस्लिम रूलर्स मिडेवल पीरियड में आते हैं और इस समय रकाब का यूज़ होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से घोड़ों का यूज़ होना शुरू हो जाता है, और दूसरा है कि यहाँ पर कैनन्स का यूज़ यानी कि तोपों का यूज़ होना भी स्टार्ट हो जाता है। नाउ जब 1600 के नज़दीक हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विदेशी हैं ये इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं इन द नेम ऑफ ट्रेड। ठीक है, कि हम व्यापार करना चाहते हैं इंडिया के साथ इसलिए हम आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा डच होते हैं, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, उसी के साथ ब्रिटिशर्स, सो ये सारे आते हैं इंडिया में। तो इनमें से एक होती है कंपनी जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1613 में जहांगीर के दरबार में जाती है। जहांगीर मुगल एम्पायर का एक राजा है। ठीक है, तो ये जहांगीर के दरबार में जाती है और कहती है कि हमें कुछ ज़मीन चाहिए और हमें परमिशन चाहिए कि हम यहाँ ट्रेड कर सकें, क्योंकि उस समय जो मुगल एम्पायर होता है करीब करीब पूरे भारत भर में होता है, तो इसीलिए वो जाते हैं मुगल एम्पायर के राजा यानी कि जहांगीर के पास। तो जहांगीर इन्हें दे देता है परमिशन, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको मिल जाती है परमिशन कि ये ट्रेड कर सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो जो ये कंपनी है ये 1683 में अपने अंडर दो राजपूत कंपनीज खड़ी करता है, क्योंकि उस समय भारत में लूटपाट भी होती थी, तो इसीलिए उस लूटपाट से बचाने के लिए इन दो कंपनीज़ का गठन किया गया। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपने जो सैनिक टुकड़ी है इसमें बढ़ोतरी करती जाती है, जिसे बाद में जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जो ब्रिटिश आर्मी है ये अपने साथ इंडियन आर्मी में इसे मिला देती है। नाउ जब हम 1751 में पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति होते हैं कर्नल क्लाइव नाम से। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हायर किए हुए सैनिक होते हैं इंडियन सैनिक, इनको ट्रेन करते हैं यूरोपियन तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सैनिकों को यूरोपियन तरीके से प्रशिक्षित किया, तो इसका आंसर होगा कर्नल क्लाइव। अब इन सब के बाद 1857 में आज़ादी की लड़ाई होती है जो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाती है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस, जिसमें से एक होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। बट इसमें जो होता है वो होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका रूल ख़त्म हो जाता है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो वहाँ की रानी विक्टोरिया है उसके हाथों में पावर चली जाती है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जानती है कि अगर ये भारतीय सैनिकों को ज़्यादा महत्व देंगे तो हो सकता है कि बाद में वही बगावत कर लें, तो इसलिए ये जो आर्मी होती है इसमें जो भारतीय सैनिकों की मात्रा होती है इसे कम कर देती है।
अब 1895 में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंसीज़ की जो सेनाई होती है, प्रेसिडेंसीज़ यानी कि रियासतें, हम जानते हैं कि भारत के आज़ाद होने से पहले बहुत सारी रियासतें थी, तो उन रियासतों की रक्षा करने के लिए उनकी खुद की सेनाई थी, तो उन सेनाओं को जो ब्रिटिश राज था इसने ख़त्म कर दिया और इनके बदले इन्होंने चार कमांड्स इस्टेब्लिश किए। ये चार कमांड्स थे पंजाब कमांड, बंगाल कमांड, मद्रास कमांड एंड बॉम्बे कमांड। तो ये चार कमांड इस्टेब्लिश हुए और इसी के साथ फॉर्मेशन हुआ इंडियन आर्मी का। तो ऑफिशियली जो इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन हो चुका था वो हो चुका था 1895 में। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन कब हुआ, तब आपका आंसर होगा 1895। नाउ जो ये कमांड्स थे, इनका जो कमांडर था वो होता था लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर, जो रिस्पॉन्सिबल होता था टू द चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ इंडिया। और आर्मी के गठन होने के करीब 15 साल बाद, यानी कि 1900 में, जो 0.303 राइफल्स होती हैं और मशीन गन्स होती हैं, ये आर्मी को प्रोवाइड की जाती हैं। नाउ 1902 में जो लॉर्ड किचनर थे, ये भारतीय सेना के जनरल बनते हैं, और जनरल बनने के साथ ही साथ ये जो कुछ युद्ध प्रिय जातियाँ होती हैं, यानी कि जिन जातियों में लड़ाई करने की क्षमता होती है, जैसे कि सिख रेजिमेंट होगी, जाट रेजिमेंट होगी, इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट होगी, तो इन रेजिमेंट्स को ये खड़ी करते हैं। और इसके अलावा ये कुछ लाइक इम्प्रूवमेंट करते हैं इन आर्मी, लाइक उनकी सैलरीज़ में इम्प्रूवमेंट करना, उनके प्रमोशंस में, उनकी पेंशन और कुछ अदर फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सोल्जर्स के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है, यानी कि 1914 से पहले, जो इंडियन आर्मी के जो कार्य हैं यानी कि फंक्शंस हैं, वो दो तरीके के माने जाते थे। पहला तो था कि इंडियन आर्मी जो इंटरनल पीस है इसको मेंटेन करके रखेगी, यानी कि जो कार्य आज हम देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं इंडिया में, तो वो कार्य इंडियन आर्मी का हुआ करता था पहले। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर ब्रिटेन किसी दूसरी कंट्री के साथ युद्ध में है, तो उस समय भारतीय सेना उनकी मदद करने के लिए जाएगी। अब इन सब के बाद वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि विश्व युद्ध फर्स्ट, ये स्टार्ट हुआ 1914 से लेकर 18 तक ये चला। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 था, इसमें जो टैंक्स थी, मोटार्स थे, एयरक्राफ्ट थे, इनका यूज़ हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में। और उस समय जो इन्फेंट्री थी यानी कि पैदल सेना, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी थी। इस वॉर के दौरान जो इंडियन आर्मी के जो सेनाएँ थी, ठीक है, ये फ्रांस में गई, ईस्ट अफ्रीका में गई और साथ ही साथ इजिप्ट में गई। अब बहुत सारे कहते हैं कि ऐसे क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था इसमें इंडिया तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि उस समय इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिश की, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में था। तो ब्रिटेन अगर वर्ल्ड वॉर 1 में था, तो इनडायरेक्टली जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको इस वॉर में आना ही था, ठीक है। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी बहुत सारे ऑपरेशंस में गए। अब जो वर्ल्ड वॉर 1 था, इसमें बहुत सारे जो डिफेक्ट्स थे ये आर्मी के खुले, और जो ये डिफेक्ट्स थे इनको दूर करने की कोशिश की गई वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। तो हुआ क्या कि करीब 19 नए रेजिमेंटल सेंटर्स खोले गए, ताकि वहाँ पे नए रिक्रूट्स, नए ट्रेनर्स, इनको भर्ती किया जा सके। इसके अलावा जो टेरिटोरियल आर्मी है, TA, इसका गठन हुआ, और जो मिलिट्री कॉलेज है, यानी कि जिसे हम आज जानते हैं RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से, तो इसका गठन हुआ था 1922 में देहरादून में। तो ये तीन ब्रॉड चेंजेस किए गए वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट करता है जर्मनी पोलैंड पर अटैक करके 1939 में। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये चलता है 1939 से 1945 तक, ठीक है। 1945 में क्या होता है कि जो USA है, ये जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो एटम बॉम्ब्स गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज़ पर। तो उसके बाद ही ख़त्म होता है वर्ल्ड वॉर 2। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 है इसमें आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स का है, इन तीनों का पार्टिसिपेशन होता है, और जो टैंक्स, रॉकेट्स एंड एटम बॉम्ब्स का इसमें यूज़ होता है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसमें जो एयर पावर है, यानी कि जो एयरफोर्स की जो इम्पोर्टेंस है, ये बहुत हद तक बढ़ती है। नाउ जो कमियाँ आई थी और जिनको दूर किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो ये थी कि इस वॉर के बाद जो नंबर ऑफ इंडियन ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, उनको बढ़ाया गया। और इसके अलावा जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, इनको खोला गया महू में, जो महू आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और बेंगलुरु फॉर ट्रेनिंग।
अब जो इंडियन आर्मी थी इसको डिवाइड कर दिया गया चार कमांड्स में। ये चार कमांड्स थी ईस्टर्न कमांड्स, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड एंड सेंट्रल कमांड। तो जो ये तीन मेन इम्प्रूवमेंट्स थे ये किए गए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 15 अगस्त 1947 को जो भारत है वो आज़ाद होता है, और भारत के आज़ाद होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है। तो कुल मिला के जो भारत पहले एक था उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, एक पाकिस्तान के रूप में और दूसरा भारत के रूप में। नाउ जो पाकिस्तान को जो एरिया मिलता है वो मिलता है जो आज का पंजाब का एरिया है, और जो सिंध वाला एरिया है उसका आधा हिस्सा, उधर वाला वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है। और इसके अलावा जो बंगाल वाला हिस्सा जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी तो उसे भी पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि पाकिस्तान को वाला हिस्सा दे दिया जाता है, जबकि जो रिमेनिंग एरिया रहता है वो रहता है भारत का। नाउ यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो उनके बीच में जो मिलिट्री का डिवीज़न होता है वो होता है कि एक तिहाई जो मिलिट्री है वो मिलती है पाकिस्तान को और जो दो तिहाई होती है वो मिलती है भारत को। नाउ आज़ादी के बाद और कौन कौन से चेंजेस हुए तो उसके बारे में हम बात करें तो जो अशोका का साइन है उसने रिप्लेस किया ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि जो ब्रिटिश ताज होता है ना रानी का, उसको रिप्लेस किया अशोक के साइन ने। इसके अलावा जो सुप्रीम कमांडर है ऑफ द डिफेंस फोर्सेस वो बनाए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें आर्टिकल 53A होता है। आर्टिकल 53A डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट से, जिसमें लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है ये तीनों सेनाओं यानी कि जल थल और वायु सेना का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा जो सेपरेट चीफ थे ऑफ द थ्री आर्मीज़ वर अपॉइंटेड, यानी कि जल थल और वायु इनके खुद के एक अलग अलग चीफ होंगे। और जो आर्मी होगी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज एबॉलिश्ड एंड मर्ज्ड विद द इंडियन आर्मी, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो रियासतें थी उनकी जो खुद की आर्मीज थी उनको टोटली ख़त्म कर दिया गया और जो वो आर्मीज थी उनको मर्ज कर दिया गया विथ इंडियन आर्मी। इसके अलावा किसी भी तरह का रुकावट लाइक कि आप क्षत्रिय हैं तो आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप शूद्र हैं या वैश्य हैं तो आप आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इस तरह की जो रेसिस्टेंस है या बॉन्डिंग है इसको हटा दिया गया आर्मी के द्वारा। और फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एनसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया कॉलेजेस एंड स्कूल्स में फॉर द स्टूडेंट्स इन 1948। सो सेम लाइंस हिंदी में लिखी हैं तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। नाउ आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ कैरेक्टर ऑफ ग्रेट फाइटर्स ऑफ इंडिया लाइक अकबर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिसमें से चार तो पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं और एक है चाइना के साथ। हम बात करेंगे कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में जो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई, और हम बात करेंगे फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी के बारे में, फील्ड मार्शल करियप्पा जी के बारे में, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स यानी कि अर्जन सिंह जी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कमांड्स इन इंडियन आर्मी के बारे में, नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम उनकी लोकेशन भी देखेंगे। हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो आर्मी का है वो किस तरीके से है और उसमें जो रैंक का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। इसके अलावा जो हमारे करंटली जो थ्री डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ हैं यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ, आर्मी एंड नेवल, तो इनका उनका नाम क्या है, और इसके अलावा जो CDS हमारे जनरल बिपिन रावत हैं उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन जय हिंद जय भारत।